भारत में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर पराठे ना बनाए जाते हो। आज की वीडियो में मैं आपको खिलाने वाली हूँ हार्ट अटैक पराठा। जी हाँ, हार्ट अटैक पराठा। आप कुछ लोग कह रहे होंगे ये कैसा नाम है भाई, इसको खाने के बाद सीरियसली हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? लेकिन नहीं, यहाँ पर आज हम आपको खिलाएंगे हार्ट अटैक पराठा कुछ इस तरीके से। 25 किलो के इस बड़े से तवे पर लगभग 1.5 किलो तक वेजीज डाली जाती है, जिसमें होती है प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। कुछ इस तरीके से देसी घी में फ्राई किया जाता है। उसके बाद पनीर के मिक्सचर को रेडी किया जाता है, और जो मिक्सचर रेडी किया गया था फ्राई के लिए वेजीज को, वो सब कुछ इस बड़े से भगोने में मिला लिया जाता है। और उसके बाद आलू का भरता मिलाकर इसको कुछ इस तरीके से मिक्स किया जाता है। सभी तरीके के मसालों को डालकर आटे का डो तैयार कर लिया जाता है। जिस तरीके से नॉर्मल पराठे बनते हैं ना, सेम उसी तरीके से वही प्रोसेस है ये हार्ट अटैक पराठा बनाने का। जो मिक्सचर आपके सामने रेडी किया गया था, वो सभी मिक्सचर को आलू के पराठे की तरह इसके अंदर एकदम से भर दिया गया है। कुछ इस तरीके से ये भैया बनाते हैं। और भाई यहाँ पर ये भैया ना नॉर्मल पराठे नहीं, आलू पराठा, मिक्स वेज पराठा, पनीर पराठा, ऑल्सो गुलाब जामुन पराठा, इतने वेराइटीज के पराठे बनाते हैं। ये पूरे आगरा में अपने पराठे के लिए बेहद फेमस हो चुके हैं, आगरा के क्वालिटी पराठा वाले। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ हमारा बन रहा है हार्ट अटैक का पराठा। और यहाँ पर देख लो जी, ये बढ़िया सी अमूल की टिक्की आ चुकी है, जो कि प्रॉपर 100 ग्राम की टिक्की होती है। और ये पूरा पराठे के अंदर लो जी डाल दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर हार्ट अटैक पराठा बनकर तैयार हो रहा है। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि यार कितना ज़्यादा इसमें बटर, मतलब कि स्कोन पराठे को बटर से नहला दिया गया है। भर भर के बटर इसमें डाला गया, यानी कि पूरी 100 ग्राम की अमूल की टिक्की से नहला कर ये पराठा बनाकर तैयार किया गया है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई बड़ा ही ज़्यादा ऑयली लग रहा है और बहुत ज़्यादा मक्खन है, तो इसको खाने के बाद सच में हार्ट अटैक तो ना आ जाओ, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर खाएंगे तो हम कहेंगे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भैया बनाते हैं, साफ़ सफाई पर भी काफ़ी बढ़िया ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर ऑल टाइप्स के पराठे की वेराइटीज़ आपको मिल जाएगी, 50 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक के पराठे आपको इन भैया के यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बन रहा है हमारा सादा पराठा जो कि 50 रुपये का होता है, जिसमें एक पराठा, 2 सब्जी और कढ़ी, अचार, ये सब कुछ मिलेगा। तो कुछ यहाँ पर देख सकते हैं भाई, प्रॉपर देसी घी में पराठा बना करके तैयार किया जाता है। इसके अलावा भैया रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ करते हैं, अगर आपको रिफाइंड में चाहिए तो उसका भी दाम कम हो जाएगा। तो भाई अगर आप भी पराठा खाने के शौकीन हो, तो सदर के क्वालिटी पराठा वालों के यहाँ करके एक बार पराठा ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इनके पराठा चखे बिना ना आपका आगरा का ट्रिप रह जाएगा अधूरा। बातों ही बातों में हमारा हार्ट अटैक पराठा तैयार हो चुका है। पिज़्ज़ा की शेप में 4 पीसेस में भैया ने कट कर दिया है, और इसमें आएगा आलू की झोल वाली सब्जी और कढ़ी, इसके साथ ही हमारी कोरिएंडर चटनी और मिक्स वाला पिकल अचार। तो यहाँ देख ही सकते हैं बढ़िया सा हमारा मिक्स वेज का पराठा, यानी कि हार्ट अटैक पराठा तैयार हो गया आलू की सब्जी और चटनी के साथ। मैंने ट्राई किया भाई, इसको खाकर तो मेरे को हार्ट अटैक नहीं आया, खाने में ये बहुत टेस्टी था। आई थिंक आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए।